कुमारी कमला देवी बी ए हाउस सेकंड डिवीजन। कुमारी कौशल्या बीएससी ऑनर फर्स्ट डिवीजन। और अब मैं इस कॉलेज की सबसे लायक, होशियार और काबिल लड़की कुमारी रमा को पेश करती हूँ, जो कि न सिर्फ सारी यूनिवर्सिटी में वकालत के इम्तिहान में फर्स्ट आई, बल्कि संगीत, नृत्य और चित्रकारी में भी हिंदुस्तानी सभ्यता का आदर्श है। कुमारी रमा। प्रिंसिपल साहबा, प्रोफेसर और मिस इंडिया, मैंने विद्यार्थी लड़कियों को मिस इंडिया के नाम से पुकारा क्योंकि इंडिया यानी भारत का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। औरत देश और कौम को बनाती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना है कि आपकी ये विद्या इस जिम्मेदारी को निभाने में मदद है। हमारी सभ्यता में औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने घर को खुशहाल बनाना, पति की सेवा करना और अपनी औलाद की बेहतरी की कोशिश करना है। आओ बेटी, आओ। रमा की माँ, ओ रमा की माँ, देखो रमा बिटिया आ गई है। बैठो बेटी, बैठो। टोपी कहाँ है? ओ, ये कौन है? अजी यही तो है टोपी वाली। माँ जी भी डर गई। ये रमा है? हाय, मैंने तो समझा कोई वकील आया है। वकील नहीं माँ जी, जज, फांसी देने वाला। रमा बेटी, माँ जी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई। अब तुम कहोगे सौतेली है इसलिए कह रही, मगर मुझे तो लड़कियों का इतना पढ़ना बिल्कुल फजूल लगता है। तुमने अपनी सारी नकदी की पढ़ाई में खर्च कर दी। अगर वही तुम इसके दहेज में देकर अच्छी तरह से ब्याह कर देते तो इसका कुछ बनता भी। इस पढ़ाई को लेकर ये क्या करेगी? इसकी ये तालीम ही इसका सबसे बड़ा दहेज है। रमा की माँ, तुम क्या जानो? तालीम अगर दहेज है तो इसकी शादी किसी अच्छी जगह बगैर दहेज के करके दिखाओ, तब जानू। माँ जी ठीक कहती है पिताजी, मेरी शादी बगैर दहेज के ही होनी चाहिए। हो चुकी, कोई टूटा फूटा क्लर्क चाहे मिल जाए, मगर खानदानी मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा रमा की माँ। मैं इसकी शादी वहीं करूंगा जो इसकी तालीम ही को दहेज समझे, और बहुत अच्छी जगह करूंगा। जब कर लोगे तब मान जाऊंगी। मैं आज ही अखबार में इश्तिहार देता हूँ, जरूरत है सुंदर ग्रेजुएट लड़की के लिए एक अच्छे और खानदानी वर्ग की, जिसे दहेज की कोई ख्वाहिश ना हो। इस झूठी एक्टिंग का क्या फायदा, जैसे कि हम बड़ी चैन और सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त बंबई में शराब की स्मगलिंग का बेस्ट टाइम है, और अपने पास इस बिजनेस के लिए एक पैसा भी नहीं। सारे का सारा गोदाम बेकार पड़ा हुआ है। एक तरीके से पैसा मिल सकता है। कौन से तरीके से? पुलिस ने तुम्हें पकड़ने का 10,000 का इनाम रखा है ना? पुतली, ये मजाक का वक्त नहीं। तुम शादी से पहले इतना गुस्सा दिखाते हो तो शादी के बाद क्या होगा? और गुस्सा, मगर तुम दोनों कम से कम ईमानदार तो हो। जो बदतमीजी तुम लोग शादी से पहले कर रहे हो वही शादी के बाद करोगे। मगर यहाँ तो हर शादी के इश्तिहार में ये होता है कि लड़की शोषिलवती और लड़का बेजबान, मगर शादी हुई नहीं कि लड़की दुर्गति और लड़का बेईमान। इसका धंधा ठीक है भाई। हाँ। तू तो बस सारा दिन शादी के इश्तिहार ही पढ़ता रहता। मिस्टर चिटकू एंड मिस्टर पिटकू, जिंदगी का जो तजुर्बा इन शादी के इश्तिहारों में मिलता है वो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। ये आज ही दिल्ली से एक बाप फरमाते हैं कि लड़की ने वकालत पास कर रखी है इसलिए दहेज नहीं देंगे, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ा दहेज। कोई अनपढ़ होगा। लाला गिरधारी लाल, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर। लाला गिरधारी लाल? हाँ। इसके पास तो अच्छी खासी दौलत, 25-30 हजार रुपए का तो मकान ही होगा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे पिताजी भी रेलवे में मुलाजिम थे और इसी गिरधारी लाल ने उन पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से अलग करवा दिया था। आप तो अच्छा खासा खानदानी मालूम होते हैं। एक पंथ दो काज, बाप का बदला भी निकल जाएगा और माल भी हाथ आएगा। सूझ गई। माल? माल का तो इसमें जिक्र भी नहीं, सिर्फ तालीम का जिक्र है। लड़की LLB है। अजी अगर उसका मकान ना बिकवा दूं तो जगदीश नाम नहीं। महमूद ये इस इश्तार का जवाब लिखो। तुम्हारी तरफ से? ठग ली। मैं यहाँ बंबई जैसे बड़े शहर में पुलिस से सर नहीं छुपा सकता, वहाँ दिल्ली में जाकर मुझे हथकड़ी लगवाना है। मुझे तो तलाश है किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान की जो कि अच्छा, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया। अनिल। ओ जगदीश, वो वक्त पर आए। हम वक्त पर ही पहुंचाते हैं और वक्त पर ही लेने आते हैं। लेकिन अब की तुम्हारे लिए ऐसा प्रोग्राम सोचा है कि बस याद ही करोगे। रमा की माँ। रमा। क्या है पिताजी? बताता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ? अंदर होंगी। आओ मेरे साथ। रमा की माँ। क्या है? अरे क्या है क्या है, इधर आओ मेरे साथ। आओ बैठो। यहाँ इतना शोर मचा रहे हो, क्या बात है? बैठो। तुमने क्या कहा था कि चाहे कोई टूटा फूटा क्लर्क मिल जाए लेकिन खानदानी मिलना मुश्किल है, हैं? लो सुनो, पूज्य लाला जी, मैं बंबई के नजदीक गोपालपुर नाम की एक छोटी सी रियासत का राजकुमार हूँ। आजकल रियासतों की वो बात तो नहीं रही, फिर भी भगवान का दिया बहुत कुछ है। इतना शरीफ आदमी है। मुझे एक नेक पढ़ी लिखी जीवन साथी की जरूरत है। जहेज के बारे में आपने जिस सच्चाई से लिखा उसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे जहेज की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं इस इतवार को दिल्ली एक काम से आ रहा हूँ, वहाँ ग्रेट होटल में ठहरूंगा। अगर आप मुझे वहाँ मुलाकात का फख्र दें तो बात पक्की हो जाए। राजकुमार गोपालपुर। अब बोलो। चुप हो गई? अब तुम कहोगे कि सौतेली है इसलिए कह देती, मगर अभी तो बात पक्की होनी है ना। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ओहो, तुम हार न मानना। मेरी बेटी की शादी इसी राजकुमार से होगी और इस मोहल्ले में ही उसकी बारात आएगी, तुम देख लेना। अच्छी बात। महाराज कुमार गोपालपुर एंड पार्टी एट योर सर्विस योर हाइनेस। हाँ, दिल्ली में आपके लिए बेस्ट होटल का इंतजाम कर दिया गया और वो दुल्हन के लिए नकली जेवरात वहीं से लीजिए। बहुत अच्छा। और ये लीजिए। ये क्या? हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? अजी मैं अपनी हिफाजत पिस्तौल के बगैर ही कर सकता हूँ, इसे आप अपनी हिफाजत के लिए रखिए। मेरी हिफाजत के लिए ये रिवॉल्वर है, जर्मन, माई लकी रिवॉल्वर। जब तक ये मेरे पास है बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और बंदे को तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेक्रेटरी साहिबान, बंबई से दिल्ली दूर नहीं, चलो। यस सर। पैसा पे कर देना। ओके सर। टैक्सी वाला कितना पैसा हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया बहुत सस्ता है। टाइम क्या हुआ? 4। ये लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा हो गया। देखो सेक्रेटरी साहब, फिर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। यार तुम तो सचमुच के राजकुमार ही बन बैठे। बिल्कुल। चोरी चकारी की प्रैक्टिस तो चलती ही रहनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। मैं तो इस नवाबबाजी से तंग आ गया हूँ, जब से नए जूते पहने पाँव दुखने लगा। यार जब से ये टोपी और ये कुर्ता पहना है अपना तो सारा जिस्म दुखने लग गया। अरे ठहरो यार, वो लाला अभी आने वाला है, पहले उसकी स्वागत की एक रिहर्सल कर लो फिर आराम करना। चलो चलो चलो। अजी वो रिहर्सल तो जबानी याद है, कॉमरेड। लाला जी, लाला जी, वाह 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 वाह, खत में जो पढ़ा था उससे भी कुछ ज्यादा ही पाया। ओह, आप ही शायद राजकुमार हैं। जी, तशरीफ रखिए। मेहरबानी। मेरे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सफाई, सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी इनपुट, सेक्रेटरी एक्सपोर्ट। हो, आदमी देखते ही समझा जाता है। कुछ राजकुमार तो ऐसे होते हैं कि समझो चोर नजर आते। मगर आप तो आपकी पहचान की दाद देता हूँ। हाँ, तो वो मेरा खत आपको मिल गया था ना? जी हाँ, आपने मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे यकीन नहीं आता। आप शुक्र रुस्तम हैं लाला जी, आपकी ये छड़ी बता रही है, चांदी की मुट्ठी वाली। नहीं नहीं, इस छड़ी पर न जाइए। ये तो मेरी दयानतदारी के सिले में 10 बरस हुए, मेरे हाकिम ने मुझे इनाम में दी थी। आपने अपनी लड़की की शादी का जो इश्तेहार दिया, उसी से आपकी ईमानदारी नजर आती है। कोई दहेज नहीं होगा। मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। बस शरीफ खानदान की लड़की और पढ़ी लिखी हो। लाला जी, हमारा रिश्ता हो गया। तो आप लड़की को देखेंगे नहीं? उसके हाथ पांव नाक नक्श तो पूरे हैं ना? पूरे? अजी पूरे ही नहीं बल्कि अब मैं अपनी ही लड़की की क्या तारीफ करूं? तो फिर देखने की क्या जरूरत है? हमें गुण चाहिए, रूप नहीं। हाँ, सिर्फ एक बात है, हम शादी जल्दी चाहते हैं। हमारे लगन के हिसाब से यही हफ्ता अच्छा है। बेशक बेशक, मुझे मंजूर है। इंसान हो तो आप जैसा। आप सिर्फ हैसियत के ही राजकुमार नहीं, दिल के भी राजकुमार हैं। मेरी बच्ची फूली न समाएगी। मोहल्ले भर में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरी बच्ची का लगन एक राजकुमार से, और वो भी बगैर दहेज के। अच्छा राजकुमार, अब इजाजत है ना? जी हाँ। मिस्टर चिटको एंड मिस्टर पिटको, लाला जी की इज्जत से हमारे मोटर में उनके घर छोड़ा। राइट सर। बताइए महाराज। आइए महाराज, चलिए। बगैर दहेज किया हम नाम के राजे हैं, और ये भोला राजा। दरवाजा खोलो ड्राइवर। चलिए महाराज। आइए ना, चलिए। लीजिए लाला जी, लीजिए। ये क्या है? हमारे महाराज कुमार की तरफ से उनकी होने वाली दुल्हन के लिए एक नाचीज तोहफा है लाला जी। बस यूं ही 30-35 हजार के जेवर हैं। जी हाँ, आप भी दहेज का इंतजाम मत कीजिएगा, बस यही इतने कुछ जेवर का इंतजाम कर लीजिए। तू क्या समझाता है लाला जी, खुद बड़े समझदार आदमी है। चलो ड्राइवर, चलो। अच्छा लाला जी, अच्छा लाला जी। चाचा जी, सुना रमा बहन की शादी किसी राजकुमार से होने वाली है। हाँ बेटी। तो स्त्री संगीत की पार्टी मेरे घर पे होगी। अच्छा, तो चलो रमा बहन को सजाएं। चलो चलो। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ना ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, ना ना ना। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, ना ना ना। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट घटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना। ला ला ना एक दिन अम्बुआ के पेड़ तले ढोलक के संग संग नाचे थे शाम ढले, याद करो याद करो। एक दिन अम्बुआ के पेड़ तले ढोलक के संग संग नाचे थे शाम ढले, बचपन के गीत वही फिर से सुनाओ ना, सुनाओ ना। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना। ला ला ना हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना। देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम आयु कामार्तिष्ठये। स्त्री के लिए पति ही स्वयं भगवान है और पति के लिए स्त्री के सिवा और दुनिया में कोई बढ़कर लक्ष्मी नहीं। ओम शांति 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 विद्युत शांति समर्पणम कुमारम सत्य मंगलम प्रणमाम्य हम। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए यहाँ अकेले बुलाया जी। बेटी, तुम्हारी माँ से छिपाकर मैंने राजकुमार को 25,000 के जेवर दिए। उन्होंने तुम्हें इतना सारा जेवर दिया, मुझे शर्म आ गई। मगर आपके पास इतना रुपया कहाँ से आया? ये मकान तुम्हारे लिए तो था, इसे गिरवी रख दिया है बेटी। पिताजी। क्या हुआ बेटी? लोग मरने के बाद अपनी जायदाद औलाद को दे देते हैं, और मैंने पहले ही दे दी। सिर्फ इतना ही किया ना पिताजी। बेटी, अपने पिता से आशीर्वाद ले रही हो। मैंने सोचा सौतेली हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ हूँ, आखिर मेरा भी तो कुछ अधिकार है। क्यों नहीं माँ जी? मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद है बेटी कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके पति के घर से। आपकी ये नसीहत मैं कभी न भूलूंगी माँ जी। अभी दो एक दिन हम यही होटल में ठहरेंगे क्योंकि बंबई के सफर के लिए शगुन अच्छा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो और भी अच्छा हुआ। बेटी हमारे घर से विदा हो रही है, लेकिन शहर से नहीं। अच्छा लाला जी, इजाजत दीजिए। जाओ बेटी, सौभाग्यवती हो। दिल्ली का मौसम अच्छा था बाबा की जाना। आसमान बाबा उधर का जेवर भी असली हुआ है। मगर आप बंबई में कयाम किधर करेगा वो? देखो तुम ये जेवर लेकर जगदीश के पास चले जाओ, मैं किसी होटल में छुपा रहूंगा। और हवा जब बिल्कुल साफ हो जाएगा को लाले की जान हम भी मिलेंगे उधर तुम्हारे साथ। नमस्ते। तुम भी? हाँ मैं भी। कितनी सुहानी रात है, बहुत सुंदर, मगर कुछ डर भी लगता है ना? बहुत दिल धक धक करता है। मेरा भी। फिर भी अच्छा लगता है। एक राज की बात बताऊं क्या? वो यानी दूल्हा हमसे भी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। हाँ मगर पता नहीं चलने देते, बड़ी बहादुरी की एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे दूल्हा कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, राजकुमार है। वाह वाह। और तुम्हारे खूबसूरत है। खूबसूरत तो नहीं मगर चलेगा, मेरे दिल का राजकुमार है। मेरी दूल्हा तो आ गए। पति कहाँ है? मेरे पति? कहाँ है तुम्हारा पति? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? इंस्पेक्टर साहब, इसकी चाल में मत आइए। इसका पति हमारे होटल का दिल दिए बगैर भाग गया और यह पति की त्यागी हुई अबला एक्टिंग करके हमसे बचना चाहती है। जी हाँ, पकड़ से। तुम्हारा साथी कहाँ है? कौन साथी? वही जो तुम्हारा पति बना हुआ था, वो झूठा राजकुमार और उसके दरबारी। हाँ, कहाँ है वो झूठा राजकुमार? जैसे जानते नहीं, तुम्हारा पति बंबई का मशहूर ठग था। होटल का बिल और इन दुकानदारों का सैकड़ों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गया है। मेरा पति ठग था? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये झूठी खबर दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। पुलिस को तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो बंबई के बहुत बड़े गुंडों के गिरोह में से है। ये सब झूठ है। आपको ये कहने का क्या हक है? लो, वो हमें लूट के चला गया और ये दुहाई मचाने का हक पूछती है। इसे हत्या बना दीजिए थानेदार साहब। एक बेगुनाह लड़की को पकड़कर उसकी बेइज्जती करने का अधिकार किसी हुकूमत को नहीं है। अब हुकूमत को भी धमकी देने लगी। पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, ये ठीक कहते हैं। इनका जुर्म साबित किए बगैर मैं इन्हें नहीं पकड़ सकता। और हमारा पैसे का क्या बनेगा थानेदार साहब, जो इसको पति ले भागा है? ये लीजिए आपके पैसे। राजकुमारी साहिबा, ये सारे झूठे जेवर आपके राजकुमार ने 100 रुपये में मेरी दुकान से लिए थे। झूठे जेवर। आप लोगों से सिर्फ पैसे का धोखा हुआ है, मगर इस बेचारी से जिंदगी का धोखा हो चुका है। आप इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए। चलिए। ठहरिए, पति ने जो धोखा अपनी पत्नी से किया है उसका जवाब मैं खुद उससे ले लूंगी, मगर मेरे पति ने जो धोखा आप लोगों से किया है उसका जवाब उसकी पत्नी को भी देना होगा। ये लीजिए सोने की माला। ये मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर आप लोग अपने पैसे वसूल कर लीजिए। देखो तो, असली है। असली कहाँ होगा जी? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल असली है। हाँ, असली है। असली? हाँ हाँ, हमारे सबके पैसे मिल जाएंगे। शायद कुछ बच भी जाएंगे। कुछ बच भी जाएंगे। हाँ हाँ, आप एक आध दिन और होटल में ठहर सकती है। हाँ हाँ, हाँ ठहर सकती है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तशरीफ ले जाइए। बेचारी अच्छी है, धोखेबाज के पाले पड़ गई। बेचारे ये भी क्या करेंगे। मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अट्ठी उसके पति के घर। मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अट्ठी उसके पति के घर। हेलो, आप राज से बोल रहे हैं? मैं रमा बोल रही हूँ जी। जरा सामने से मेरे पिताजी को बुला दीजिए। थैंक यू। हेलो, कौन? रमा, क्या बात है बेटी? पिताजी, पिताजी मैं हवाई अड्डे से बोल रही हूँ। बात यह है कि इनको बंबई से इनके बड़े महाराज का तार आया है कि फौरन बंबई पहुँचो। हम अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब है अभी हमसे बगैर मिले चली जाओगी? क्या करूं पिताजी, आपको होटल से टेलीफोन किया था मगर फोन ही ना मिल सका। हवाई जहाज बस 2 मिनट में छूटने ही वाला है, सो आपको मिल ना सकी। ओहो, ये तो अजीब बात है कि बेटी माँ बाप से मिले बगैर ही चली जाए। खैर, बम्बई पहुँचते ही तार देना। राजी खुशी तो जा रही हो ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बड़े अच्छे और बड़े नेक आदमी हैं। आप किसी किस्म की चिंता ना कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अच्छा बेटी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। अब तो तू राजकुमारी बन गई। अपने गरीब माँ बाप को जी से भुलाने देना बेटी। बड़े बड़े महलों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, हीरे और जवाहरात पे पड़कर हमें भूल न जाना। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? बेटी कभी माँ बाप को भूल सकी है? अच्छा आशीर्वाद दीजिए, वक्त हो गया है। बाबा, अगर यहाँ किसी की तलाश करनी हो तो कैसे की जाए? बेटी, ये तो तलाश किए जाने वाले पर है। अगर वह खूबसूरत है, नौजवान है और बेकार है तो किसी फिल्म कंपनी में ढूंढो। खूबसूरत और नौजवान तो है मगर बेकार नहीं। बेकार नहीं तो फिर क्या काम करता है? यही चोरी चकारी। शादी के बाद दुल्हन का सारा दहेज लेकर भाग गया। समझा। तब तो उसे बदमाशों के अड्डों पर ढूंढना पड़ेगा मगर तुम वहां नहीं जा सकती। लो बेटी, ये होटल सस्ता और इज्जतदार है। इसके मालिक और मालकिन जरा लालची जरूर हैं, मगर आदमी बहुत अच्छे हैं। ओ, बाबा तुम कल सुबह यहाँ आ सकते हो? क्यों नहीं? मुझे किसी की तलाश में जाना है। तुम भले आदमी मालूम होते हो, पर देश में थोड़ा ही सहारा बहुत होता है। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा बेटी। धन्यवाद। ये लो। Yes, please. मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा कोई खाली नहीं है मैडम। अस्सलामुअलैकुम मैनेजर साहब। गुड इवनिंग सर। हमारा कमरा का ये चाबी है वे। हमारा कमरा को जरा जार पूछ के रखा करे वे। हाँ, जार पूछ के रखेगा। ये खान भी अजीब है, रात को जाता है सुबह को आता है। किधर चौकीदारी करता होगा? मैडम कह जो दिया कमरा कोई खाली नहीं है। देखिए मैं परदेसी हूँ, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। दिन को तो मैं बाहर ही रहूंगी मगर रात को तो आकर कमरे में सोएंगे ना। जब कमरा कोई खाली नहीं तो फिर दिन क्या और रात क्या। जाइए जाइए, कमरा कोई खाली नहीं है। सोने के लिए कमरा चाहिए। डियर हस्बैंड। यस वाइफ। तुम एकदम इडियट है। हाउ? उस लड़की को बुलाओ। मगर कमरा कहाँ है? हम बताएगा। बेरा। यस मैडम। उस छोकरी को पकड़ के लाओ। बहुत अच्छा मैडम। मगर कौन सा कमरा है? नंबर 10। 10 नंबर? अरे उसमें तो पठान रहता है। वो रात को जाता है दिन को आता है। ये दिन को जाएगी रात को आएगी, समझा? अच्छा, वो रात को रहेगी और वो दिन को रहेगा, यानी दोनों को एक कमरे में डाल देंगे। यस, दोनों से किराया भी पूरा पूरा मिलेगा। वंडरफुल वंडरफुल। हम बोला था ना तुम एकदम इडियट है। यू आर राइट डार्लिंग। आगे आइए मैडम आइए, एक कमरा खाली हो गया। दूसरा माले पर मैडम, पर तुम लिफ्ट से चलो। हाँ सीढ़ी से बहुत टाइम लगेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उधर से जाओ। ओह माय गॉड। कम ऑन मैडम, कम ऑन। तुमको फर्स्ट क्लास रूम देगा। कम ऑन मैडम, कम ऑन। ये कमरा है एकदम खाली। ये बिस्तर किसका? बिस्तर हम होटल के साथ ही सप्लाई करता है। इसका किराया कितना है? इसका किराया सिर्फ 5 रुपए रोज, पूरा 24 घंटे वाला रोज। और ये कपड़े किसके? कपड़े डियर हस्बैंड, ये कपड़े किसके हैं? ये मेरा पहला गिराक था, उसने हमारा किराया नहीं दिया, मैंने उसके कपड़े रख लिए। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम तो कैश पार्टी है, बैठो। ये कमरा मुझे पसंद है। थैंक यू। लेकिन एक बात है, सुबह जरा जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे किसी की तलाश में जाना। मैं तुमको 4 बजे उठा दूंगा। नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, 6 बजे ठीक रहेगा। अरे मैडम 6 बजे का बात मत करो। इधर किसी को तलाश करना है ना बम्बई में, तो 4 बजे का टाइम बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट एकदम बेस्ट। अच्छा 5 बजे उठा दीजिए। 5 बजे? 5 बजे। अच्छा 5 बजे ठीक है ठीक है। अच्छा मैडम गुड नाइट, गुड ड्रीम। हस्बैंड कपड़ा उठाओ, पहला ही बोला था मैम साहब को पूरा रूम देना है। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। यस डार्लिंग। वाइफ। यस हस्बैंड। अभी 5 तो नहीं बजा? नहीं रे, हम अभी चिदे था खाली 2 बजे। तुम अभी सोया नहीं? हमको नींद नहीं आ रहा, उस लड़की को कमरा से निकालने का फिक्र में। हमको भी नींद नहीं आ रहा। वाइफ। यस हस्बैंड। मेरे ख्याल में लालच बुरी होती है, आदमी सो भी नहीं सकता। तुम ठीक कहते हैं, मगर हम लोगों को जल्दी अमीर होने को मांगता है। सोने वाला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। मगर अमीर बनते बनते कहीं दामिना निकल जाए। तुम फिक्र मत करो, मोटे आदमी का जान जरा देर से निकलता है। हाँ। ये तो 5 बज गया। 5? पर तुम तो कहता था अभी 2 बजा है। अपना आँखें जरा कमजोर है ना। अरे वो खान 5 बजे वापस आता है, उसने अपने कमरे में लड़की को देख लिया तो हम दोनों कैटी बस लिए। मैडम कौन है? हम लोग हस्बैंड वाइफ, जल्दी तो टाइम हो गया। 5 बज गया, पूरा 5 बज गया। उठिए। लेकिन बाहर तो रात मालूम हो रही है। बॉम्बे में 5 बजे रात ही मालूम होता है। फिर मैं अभी से बाहर नहीं। मैडम 5:15 बजे दिन हो जाता है। बेचारा परदेसी ने, इसको बॉम्बे का कानून नहीं मालूम। चलो मैडम जल्दी करो। आप लोग अपने ग्राहकों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे भाई तेरे काम का हम ख्याल नहीं रखे तो हमारा किराया कैसे मिलेगा? जल्दी करो जल्दी। एक थैली चाय मिलेगी, 2 मिलेगी। जल्दी करो जल्दी। जल्दी जाओ, मैं कमरे का पोस्टमार्ट करती हूँ। ओह माय गॉड, वो बावला पठान आएगा, मेरा मुंडी बराबर कर देगा इसका संदूक। ग्राहकों को काम पर भेजने की हमारी जिम्मेदारी होती है। हर अच्छे होटल वाला ऐसे ही किया करता है। मैं भूल गया, मैं चली जाऊँ। ये औरतों के लिए बना है। हाँ, ओनली फॉर लेडी। तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीधे से आता हूँ। तुम आ गया? तो लाले की जान, तुम इतना सुबह यहाँ क्या करता है? वे ग्राहकों की देखभाल करता है, चाय का इंतजाम करता है। हर अच्छे होटल वाला ऐसा ही किया करता है। शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छा होटल वाला है। थैंक यू खान सर, थैंक यू थैंक यू। खान साहब तुम आ गया? खुद सुबह 5 बजे तुम हमारे कमरे में क्या करते हुए? तुम बोला तो मैं झाड़ पोछ करना, हम झाड़ पोछ किया। खुद सुबह इतना सुबह तुम झाड़ पोछ करते हो? बात ये खान साहब, तुम हमको बहुत लवली लगता है, इसलिए हम सोचा तुम्हारा दर्शन करेगा। दर्शन दिया? जो जो जो। थैंक यू। पगले कहीं के। अरे यहाँ से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज। शायद पगली ने पाउडर डाल दिया होगा। अरे बाबा तुम इतनी सुबह आ गए? तुमने कहा जो था बेटी। मगर फिर भी ये तो बहुत ही सुबह है। बुढ़ापे में नींद कम आती है बेटी, सोचा चलकर खड़े ही हो जाए। बैठो। कहाँ जाओगी? वहीं चोर उचक्कों के अड्डों पर। फिर सोच लो, शरीफ औरतें ऐसी जगहों पर कभी नहीं गईं। यही तो बात है, हम शरीफ लोग बदमाशों से घबराते हैं। कौन जाने, शायद बदमाश भी हम शरीफों से घबराते हों। तुम चलो तो सही। तुम्हारी मर्जी। शरीफ लड़की आई है। क्या कहते हो? सच बात है, चलकर देख लो। क्या बात है? तो पुलिस है क्या? नहीं तो फिर क्यों डर रहे हो? एक शरीफ लड़की आई है। शरीफ लड़की? शरीफ लड़की का यहाँ क्या काम है? जरूर कोई धोखा है। हाँ हाँ पुलिस की चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है मत खोलो। ठहरो, अकेली है क्या? हाँ अकेली है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? अगर शरीफ है ना। मैं तो कहता हूँ जरूर कोई चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है मत खोलो। आहिस्ता बोलो, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। तुम सब अपनी अपनी जगह चौकन्ने रहो, सुना? चलो 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 जल्दी चलो। और हाँ तुम दूसरे को खोल। हमारी हाथ छिपा दे नीचे। फरमाइए क्या बात है? मुझे किसी की तलाश है। मगर यहाँ तो सब शरीफ आदमी हैं। मैंने कब कहा कि यहाँ बदमाश है? औरत सहायता कमेटी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। अच्छा मुबारक हो। नहीं नहीं हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। औरतों को हर बंधन से आजाद कराना हमारा फर्ज है। हाँ गर्ल, हमारी मेहनत सफल हुई। मिसेस चटर्जी को डाइवर्स मिल गया। बहुत हिम्मत आ गया। नमस्ते। यस फरमाइए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। पति छोड़कर चले गए? बहुत तलाश किया मगर कामयाब नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रमा। अभी तक मिले नहीं? बिचारी। मर्द बहुत खराब होते हैं। धोखेबाज, फजूल, बेरहम। आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं, आपको फौरन डाइवोर्स मिल सकता है। आज ही आपकी तरफ से मुकदमा कर दिया जाएगा। डाइवोर्स? मुझे मेरा पति चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए। डाइवोर्स नहीं चाहिए? उसने तुम पर इतना जुल्म किया और तुम डाइवोर्स नहीं चाहती हो? बहन, औरतों को मर्दों से आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी डाइवोर्स ले लिया है, इसने भी, उसने भी। देखो हम सब कितने खुश हैं। मगर डाइवोर्स लेने से पहले आप लोगों ने घर बसाने की कोशिश तो की होगी। क्यों? जब मर्द घर बसाने की कोशिश नहीं करता तो औरत क्यों करे? जिस तरह तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है उसी तरह तुम उसे छोड़ दो। हाँ। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, प्रेम और प्यार से मिटाया जाता है। प्रेम और प्यार ही हिंदुस्तानी औरत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम और प्यार हिंदुस्तानी औरत की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तुम हमसे मदद लेने आई हो या देने? आई तो थी आपसे मदद लेने ही, मगर देखती हूँ मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत आपको है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, हम आजाद औरतें हैं, हर बंधन से आजाद। औरत का सबसे बड़ा बंधन मर्द है और मर्द जात से हमें सख्त नफरत है। यस, कौन? प्रेम कुमार। वही है मेरा प्रेम कुमार, मेरा पुराना पति। प्रेम, कब से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही हूँ, कब मुलाकात होगी? कल शाम। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेम के संग बिताऊंगी जीवन, सजी के सब संसार। तुम बकता इडियट, हमारे इधर खाना बासी मिलता है। ए वाइफ, ए वाइफ। यस हस्बैंड। वो 10 नंबर वाली लड़की आज जल्दी आ गई है और ऊपर वो खान साहब सो रहा है। ओह माय गॉड। तुम ऐसा करो, वो खान साहब को पिच्चू का रास्ते से भगाओ और मैं इस मैडम को बातचीत में लगाती हूँ। हेलो 10 नंबर वाला मैम साहब, देखो आज मेरा तबीयत बहुत उदास है, जरा 2-4 बातचीत करो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तुम 1 कप चाय पिएगा, 2 बात करेंगे, तुम्हारा तबीयत अच्छा हो जाएगा। बैठो बैठो। बॉय। यस मैडम। देखो 1 कप चाय लाओ, हमारा हिसाब में। बहुत अच्छा मैडम। ओ खान बाबा, ओ उठो खान, उठो। क्या हुआ है? और तुम अभी तक सोता है, काम पे नहीं जाना? ओहो, हमारा काम का तुमको क्या फिक्र है वे? अरे भाई, हम तुम्हारे काम का फिक्र नहीं करेगा तो हमको किराया कैसे मिलेगा? ओहो लाला, तुम फिक्र न करो, हमारे पास बहुत माल है। अरे हमारा पहला ग्राहक भी ऐसा ही बोलता था, आखिर में उसका हमको कपड़ा क्यों रखना पड़ा, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं रखना चाहता। चलो काम, हमें जूता तो पहन लो। अरे पहन लो भाई। और ये लो। अरे बाबा छोड़ी, अरे काम पे चलो खुदा। अरे जल्दी क्या करते, चलो बाबा काम पे चलो बाबा। अरे तुम इतना सुस्त हो गया, तुम क्या करते हो? अरे हमारा जिम्मेदारी है तो चलो क्या सही। मैडम चाय कैसा था? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ख्याल मत करो, वो तो खाली पीली एक अपनी इधर पठान जैसा बावला है, कुछ पागल मालूम होता है। सब आजा, रात को ही आ गया। ओहो आदमी को नींद आ गया। सर क्या है? 10 नंबर वाला खान साहब है ना, वो आज जल्दी आ गया है। हाँ, और वो अपने कमरे में चला गया है। कमरे में चला गया? टेढ़ा गड़ा कड़ी लग जाएगी। अरे सोचो, देखो तुम ऐसा करो, अपना बिजली का मेल स्विच है ना, वो जाके बंद कर दो। अरे जब बत्ती कैसे बंद हो गई? ये होटल है ये क्या? हा? कौन सा है? जरा बाहर आओ ना। क्या बात है? बाहर आओ जरा। अरे खुद तुम बाहर निकल जाओ। चुप हो। क्या बात है? खुद क्या बात है? ये शोर कैसा है? अजीब होटल है। खुद तुम क्या करता है? हमेशा हमको बाहर निकलता है। रखा। दीदी आ गई थी, जगह नहीं थी, तुम्हारा कमरा दे दिया। हम अपना कमरा तुमको दे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा, अब हम एक मिनट भी तुम्हारे होटल में नहीं ठहरेंगे। तुम अगर हमारा किराया खो तुम हमारे कमरे में दूसरों को डालकर किराया मांगता है, हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। वाइफ, यस हस्बैंड, तुम एकदम इडियट है। ज्यादा किराया लेते लेते ये भी गया। बोलो तुम इडियट है। यस यू आर राइट। हट जा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ये कोई होटल है? क्यों? सारी रात कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती रहती, जैसे कोई भूत रहते हो। चारों तरफ शोर मचा रहता है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे होटल में। हमारा किराया। किराया? तुम लोगों को किराया नहीं जुर्माना होना चाहिए। वाइफ। यस हस्बैंड, हमको मालूम है। क्या मालूम है? हम एकदम इडियट है। दोनों किराएदार का लालच किया और दोनों गया और नींद भी गया। यार सब हम कभी लालच नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर। यस। एक लड़की नौकरी के लिए आई है। पढ़ी लिखी है? जी हाँ। खूबसूरत है? जी हाँ। नौजवान है? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, आने दो। कम इन प्लीज। नमस्ते। नॉट बैड, नॉट बैड। बी सीटेड प्लीज, बी सीटेड। आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? जी। क्यों? कोई बात नहीं। आपने नमस्ते कुछ सादगी से की कि मैंने सोचा शायद ग्रेजुएट क्या करते हैं। यही जो करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू वगैरह, मगर कोई बात नहीं। तो आपको नौकरी की तलाश है? जी। आप ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए इतने बड़े शहर में नौकरी की क्या कमी है, मगर ये नमस्ते, ये सादगी नहीं चलेगी। यू हैव टू बी स्मार्ट। आपकी पर्सनालिटी बननी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी कि दुनिया देख के दंग रह जाए। मगर कोई बात नहीं, हम आपकी पर्सनालिटी बनाएंगे। सेक्रेटरी, देखो तो इनका क्या बन सकता है। Well, let me see now. Yes, a lot could be done about her. Her hair should be cut in a Hollywood style. A little more lipstick. Some more rouge on her cheeks. ये सारी ऐसा पहने जैसे फॉर्म ना करे। मुझे नौकरी की जरूरत है, जिस्म का फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं। मैडम, आजकल लड़कियों को नौकरी उनकी काबिलियत से नहीं मिलती है, उनके फैशन और चमक दमक से मिलती है। नौजवान औरत की एक मुस्कुराहट, उसके देखने का अंदाज, उसके खड़े होने का स्टाइल, ये सब हजारों रुपए का बिजनेस पैदा कर सकती है। इसीलिए आजकल हर बिजनेस कंपनी ऐसी लड़कियों की तलाश में है। आपका धन्यवाद, मगर मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत है जिसमें मेरा काम, मेरी अक्ल, मेरी काबिलियत देखी जाए, न कि मेरी खूबसूरती। मगर इसमें बुरी बात क्या है? ईश्वर ने आपको खूबसूरती दी है तो उसका फायदा उठाइए। जी, बुरी बात तो कोई नहीं। सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब वेश्या अपना जिस्म बेचती है तो लोग उसे बुरा क्यों कहते हैं। तुम तो बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हो। आपने ठीक कहा, मैं बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हूँ। मैं उसी पुरानी सभ्यता को पसंद करती हूँ जिसमें औरत की इज्जत उसके गुण से नापी जाती है, उसके तन से नहीं। जब तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएट हो तो मुझे शक हुआ था। अब यकीन हो गया है कि तुम्हारी जैसी गंवा लड़की ग्रेजुएट नहीं हो सकती है। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। वो तो मैं समझ गई। आपकी सोसाइटी में सिर्फ चमकीली और भड़कीली लड़कियों के लिए जगह है, जिनके लिए फैशन का नाम विद्या है और बेशर्मी का नाम सभ्यता। आपकी सोसाइटी में सादा, शर्मीली और इज्जतदार लड़कियों को तो भूखा ही मरना पड़ेगा। मगर मुझे ऐसे रोजगार से बेरोजगारी मंजूर है। नमस्ते। माय माय, खाम खा वक्त जाया किया। कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं? गेट आउट। ठहरो बाबा, मुझे यही उतार दो। क्यों बेटी, होटल नहीं जाओगी? नहीं, होटल तो मैंने छोड़ दिया। तो इस वक्त कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी, यहीं कहीं धर्मशाला में रह जाऊंगी। मैंने उनकी बहुत तलाश की। अब मैं अपनी मुसीबतों में तुम्हें कहाँ साथ लिए फिरूं। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज।